हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल खाना खजाना में आपका स्वागत है। आज मैं चने की दाल और देखिए चने की दाल और लौकी की सब्जी डाल करके बनाऊंगी। बहुत लोगों को लौकी नहीं पसंद होता है, नहीं खाते हैं, लेकिन इस स्टाइल में आप बनाएंगे तो वो खाने लगेंगे। चने की दाल को देखिए मैंने आधा घंटा भिगो के रख दिया था। इसको भिगोते समय इसको दो तीन बार धुल देना है, धुल के रखना है, क्योंकि अब इसको धुलना नहीं है। इसको छान के कुकर में इसको हम डाल देंगे इस तरह से। अब इसमें हम लौकी डाल देंगे। लौकी को हम थोड़ा बड़ा बड़ा पीसेस का काटेंगे और उनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें थोड़ा सा हल्दी डालेंगे, एक चौथाई चम्मच, आधा चम्मच नमक डालेंगे और अब इसमें पानी डालेंगे। पानी हम एक कप डालेंगे और अब इसको बंद कर देंगे। इसको अब गैस पर रख देंगे। इसमें तीन सीटी या उससे एक सीटी, चार सीटी लगा देंगे। तीन से चार सीटी इसमें लगाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगाएंगे। अब इसको गैस पे रख देंगे। इसमें तीन चार सीटी आने देंगे, तब तक हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़के के लिए हम दो टमाटर लेंगे, एक प्याज लेंगे और दो मिर्ची, इन सबको काट लेंगे। ये देखिए हमने प्याज बारीक काट लिया है, टमाटर का पेस्ट बना लिया और मिर्ची को बीच में से चीरा लगा के रख लिया है। अब चलिए अब इसका मसाला तैयार करते हैं। एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसमें एक चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और एक चम्मच देगी मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा हींग डालेंगे, कच्चा हींग, और कस्तूरी मेथी डालेंगे उसको मैश करके, और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। इसमें पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। इसका अच्छे से घोल तैयार करेंगे। दो देखिए इसमें चार सीटी आ गया है। हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको अपने आप ही इसका सीटी निकालने देंगे। अब हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे और इसको गर्म होने देंगे। जब ये गर्म हो जाए तो इसमें दो चम्मच के करीब तेल डालेंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। इसमें दो तेज पत्ता डालेंगे और दो सूखी साबुत लाल मिर्च डालेंगे। जब ये जल जाए इसमें जीरा डालेंगे, सौंफ डालेंगे, बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे, बारीक कटे हुए प्याज को डालेंगे। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। हल्का गोल्डन ब्राउन हो गया है। एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे।
इनको अच्छे से भूनेंगे। अब जो मसाला तैयार किए हैं अब उसको हम डालेंगे। ये देखिए ये तेल छोड़ दिया है, अब मसाला हम डालेंगे, इनको अच्छे से भूनेंगे जब तक मसाले में गुठली नहीं बन जाती है। देखिए ऐसा, देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है मसाले का। जब तक इसमें तेल नहीं मसाला छोड़ देता है इसको तब तक हम भूनेंगे। देखिए मसाला भुना गया है, देखिए लगता है भुना गया अच्छे से। ये और इससे हम ये दाल डालेंगे। देखिए उसको डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें हम थोड़ा पानी ऐड करेंगे। और इसको ढक देंगे, इसको 4 से 5 मिनट इसी तरह पकने देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे। तो 5 मिनट हो गए, अब चलिए इसको देखते हैं। ये देखिए दाल में हमारी उबाल आ गया है, मसाला और पानी दोनों पक चुका है। अब इसमें हम ढेर सारा हरा धनिया डालेंगे। और 1/2 चम्मच गरम मसाला। सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए हमारी लौकी और चने की टेस्टी दाल तैयार हो गई है। आप इसको चावल के साथ या रोटी के साथ किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। ये देखिए हमारी दाल तैयार है।